मौका बार बार नहीं मिलता है। अपना तू कौन है, तू कौन है, कौन है? कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। तेरे से ज्यादा चांद रात देखा है मैं, तेरे को वही सिखा रहा है जो मैं सीखा है। तेरा सपना तेरा सच्चाई से मेल करना चाहिए। तुम मुझे पांच रीजन बताओ कि मैं तुमको बॉक्सिंग क्यों सिखाऊं? कलाकारों ने साउथ से बॉलीवुड की तरफ अपना रुख लिया, किसके लिए बना बॉलीवुड सक्सेस की सीढ़ी? क्या एक कलाकार के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म जरूरी है अपनी कला दिखाने के लिए? नमस्कार, बॉलीगार्ड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं लाइगर मूवी से रिलेटेड कुछ मजेदार बातें। अदर इंडस्ट्री से बॉलीवुड इंडस्ट्री का सफर तय करके आई काफी एक्टर एक्ट्रेसेस ने बॉलीवुड में भी अपने दमदार एक्टिंग से सबका दिल जीतकर बन गए बॉलीवुड की मिसाल। यूं तो किसी कलाकार का हुनर किसी बड़ी इंडस्ट्री का मोहताज नहीं होता, वो अपने हुनर से कहीं से भी अपना जादू दुनिया तक बिखेर ही देता है। ऐसे ही कई कलाकार हैं इस इंडस्ट्री में। हॉट और टैलेंटेड कमल हसन की बेटी श्रुति हसन की बात करें तो तमिल और तेलुगु सिनेमा में काफ़ी अच्छी सक्सेस हासिल करने के बाद लक फिल्म से अपना लक आजमाने बॉलीवुड में आई श्रुति ने फिल्म तेवर से लाइमलाइट की दुनिया में कदम रखा, पर अभी भी उनका बेस्ट देखना बाकी है। वहीं द डीवा वेरी सेंशुअल और इंस्पायर्ड एक्ट्रेस ऊ ला ला गर्ल विद्या बालन, जो साउथ की सबसे प्रिय और बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक है, वहीं बॉलीवुड में जहां उनको क्रिटिसाइज किया गया, वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते वो सबके दिलों पे ऐसी छाई कि आज की डेट में मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस में उनका नाम गिना जाता है। विद्या के साथ साथ ऐसे ही सक्सेस पाने वाली विद्या एक अकेली अभिनेत्री नहीं है। हवा हवाई गर्ल श्रीदेवी, द एवर यंग रेखा से लेकर ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी इसमें शामिल हैं। वहीं साउथ से बी टाउन में कदम रखने वाली और भी पॉपुलर एक्ट्रेस शामिल हैं, जिसने ऐश्वर्या राय, कृति सेनन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, दीपिका पादुकोण जैसे पॉपुलर फेस बॉलीवुड को दिए। वहीं जहाँ ये सितारे के लिए ये कदम सक्सेस की ओर बढ़े, वहीं कई ऐसे नाम भी हैं जिन्होंने साउथ से बॉलीवुड का रुख किया पर इतना चल नहीं पाए, जिसमें फेमस एक्ट्रेस काजल अग्रवाल, तमन्ना भाटिया, आसिन, श्रिया सरानी, जेनेलिया डिसूजा, त्रिशा कृष्णा जैसे कलाकार शामिल हैं। वहीं अब बात साउथ के एक्टर भी अपना हुनर दिखाने में पीछे नहीं हटे। बॉलीवुड की फिल्म जंजीर से बॉलीवुड में आने वाले रामचरण का बॉलीवुड करियर ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। इस फिल्म के बाद उन्होंने वापस से साउथ सिनेमा का रुख ले लिया। वहीं अब अपनी अपकमिंग फिल्म लाइगर से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे विजय देवाकोंडा का क्या सक्सेस हासिल करते हैं, इसके लिए 9 सितंबर 2021 का इंतज़ार करना होगा। तब तक के लिए हमें कमेंट बॉक्स करके बताएं कि आपको क्या लगता है, साउथ हीरोज ज़्यादा बेहतरीन हैं या बॉलीवुड स्टार्स। साथ हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।